लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर सीकर में भी उत्साह का माहौल है। हमारे संवाददाता सुनील पारमुवाल हमसे एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी सुनील, लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर सीकर में क्या कुछ माहौल है, जबकि 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। जी सुनील। विकास, आपको बताना चाहूंगा सीकर के अंदर युवा और बुजुर्गों के साथ महिलाओं मतदाताओं की भी संख्या काफी ज्यादा देखने को मिली है। मैं इस वक्त सीकर के मारू स्कूल मतदान केंद्र में खड़ा हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं महिलाओं की किस कदर लाइन, जो आप देख रहे हैं कि महिला है जो सुबह सुबह वोट करने के लिए यहाँ पे आई हुई है और ये अपना लोकतंत्र के उस समय अपना वोट डाल के मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ लाइन में लगी हुई है। जी सुनील, निर्वाचन विभाग ने जिस तरीके से जो नवाचार किए हैं सीकर में, कितना कुछ प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है? जी सुनील। मैं आपको बताना चाहूंगा निर्वाचन विभाग की ओर से तमाम जी प्रकार के नवाचार किए गए थे, जिसमें से स्वीप की गतिविधियां हैं या अपन योग के सेल्फी पॉइंट के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का है। ये जो नवाचार जिन्होंने जिला कलेक्टर के द्वारा, प्रशासन के द्वारा से किए गए थे, उसमें काफी ज्यादा लोगों का रुझान भी देखने को मिला है। जी यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते जी जी किस कदर, जैसे जैसे दिन अब निकलता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जी सुनील, 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, अभी कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, अगर आपके पास में कुछ आंकड़े हो तो? मैं आपको बताना चाहूंगा सुबह 7 से 9 बजे तक का जी प्रतिशत है सीकर जिले में, 10% तक मतदान हो चुका है अभी तक। और अब जैसे जैसे दिन जलेगा जलेगा उसके साथ साथ जी में महिलाओं और पुरुषों के जो वोटिंग प्रतिशत है जी वो और बढ़ने का संभावना है। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।